Hey guys, what's up? So welcome back to my YouTube channel. This is Ashita Agarwal और आज मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने मीशो से काफ़ी सारी शॉपिंग की है और मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कॉमेंट्स में कि आप कुर्ती हॉल और करो, तो आई एम बैक हियर और मैंने मीशो से इस बार बहुत सारे अंडर बजट कुर्ता लिए हैं और मैंने लिया है ऑल अंडर 400, सिर्फ 400 के अंदर मेरे को बहुत अच्छी कुर्तियाँ मिल गई। ये सारे जो कुर्ताज मैं आज दिखाने वाली हूँ ये सारे कॉटन या रेयन है और दे आर ऑल शॉर्ट कुर्ताज, स्पेशली कॉलेज एंड ऑफिस गर्ल्स, दिस इज फॉर यू। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये भी बता दूं कि मैंने ये इयररिंग्स भी मीशो से ऑर्डर किया, जो ये वायरल इयररिंग्स है चेरी वाली, इफ इट इज विजिबल टू यू गाइज, ये चेरी वाली इयररिंग्स है जो वायरल हो रही है अभी मीशो में। ओके, सो उस दिन मैं लाइव गई थी और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मेरे वीडियो में मैंने कौन से लिपस्टिक शेड लगाया हुआ है। आज मैंने वही सेम लिपस्टिक कॉम्बो लगाया है, तो ये तीन लिपस्टिक का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक लिप लाइनर लगाया हुआ है स्विस ब्यूटी का मैंने, के बाद मैंने स्विस ब्यूटी की एक लिपस्टिक आती है मैट फिनिश वाली, सेंटर ऑफ इट पीच टाइप का लिप ग्लॉस है वो लगाया है। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये शॉर्ट कुर्ता, ये है ब्लू रेयन कुर्ता, ये इकार्ड प्रिंट जैसा मुझे लगा तो मैंने ये लिया है। इसमें सिर्फ सेल्फ प्रिंटिंग है, ये कोई स्टिचिंग वाला प्रोडक्ट नहीं है, है एकदम रॉयल डार्क ब्लू कलर का, मुझे इस टाइप का कलर बहुत टाइम से चाहिए था। और इसकी स्लीव्स 3/4 है जो सबसे अच्छी बात है। क्या है कि अभी समर्स जा रहे हैं, मॉनसून आ रहा है तो अभी बहुत स्टिकी सीजन होने वाला है, इसके लिए परफेक्ट है। आप कहीं ऑफिस में वर्क करते हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको कहीं रोज बाहर जाके काम करना पड़ता है तो आपके हाथ भी टैन हो जाएंगे अगर आप हाफ स्लीव्स या स्लीवलेस पहनते हो। उसकी जो नेकलाइन है वो भी बहुत सोबर है, लाइक इट्स नॉट डीप, अगर आप देख सकते हो कि ये डीप नहीं है ज्यादा, ये सिर्फ थोड़ा सा वी कट जैसा दिया हुआ है। ये बहुत लाइट वेट है, एक्चुअली ये डार्क कलर है ना तो इसके वजह से इसके अंदर कुछ सी थ्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा कॉटन ज्यादा अच्छा क्वालिटी का है तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए ये थोड़ा सा डायरेक्टली भी पहन सकते हो विदाउट एन इनर और ट्यूनिक इनसाइडेड, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप इसे, ये डार्क कलर है इसलिए आपको अंदर कुछ बहुत ज़्यादा इनर या फिर ट्यूनिक टाइप का पहनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पतला है। कि ना ये लाइट ब्लू जीन्स में वाइट या ऑफ वाइट जो प्लाजोज होते हैं या फिर जो आजकल थोड़े से बेल बॉटम वाले पैंट्स आते हैं, ट्राउजर वाले पैंट नहीं मतलब पैंट्स वाले पैंट, वो वाले पैंट्स के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक्स्ट्रा कोई लिंक भी नीचे डाल दूंगी। 300 में मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी का शॉर्ट कुर्ता मिल गया एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारे लार्ज ले लिए हैं, एक ही कुर्ता है जो ये वाला, ये मीडियम है। सो आई लव द डिजाइन ऑफ इट, मुझे ना इस टाइप के इकार्ड प्रिंट, इसको अगर इकार्ड प्रिंट बोलते हैं कि नहीं आई डोंट नो, प्लीज करेक्ट मी गाइज, बट इस टाइप के जो फ्लोरल प्रिंट होते हैं ना, जो इकार्ड टाइप के प्रिंटिंग होती है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब बहुत सोवर टाइप का, आप जस्ट एक इयररिंग्स डाल लो और एक अच्छा सा टोट बैग ले लो एंड यू आर गुड टू गो फॉर कॉलेज या ऑफिस। बहुत सोवर क्लीन गर्ल वाला लुक भी आएगा, देसी क्लीन गर्ल भी तो हो सकती है ना, सो आई थिंक देसी क्लीन गर्ल लुक आएगा इसमें। मूविंग टू नेक्स्ट, आई ऑर्डर दिस वन लेकिन मेरे को इसका पिंक थोड़ा कम पसंद आया बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, ज़्यादा लाइट पिंक दिख रहा था मीशो के फोटोज में और ये बहुत डार्क पिंक आया है, मतलब इट वॉज बेबी पिंक सॉर्ट ऑफ उस फोटो में, और ये बेबी पिंक नहीं है बट ये चिकनकारी कुर्ता सॉर्ट ऑफ मुझे ये अच्छा लगा था मैं, तो इसलिए मैंने ये लिया है। तो ये है अगेन 3/4 लेंथ, इसकी जो स्लीव्स है इसमें ना काफी अच्छा डिजाइन वर्क किया हुआ है और ये ना प्रिंट नहीं है, ये ना सिलाई किया हुआ है, लाइक एंड पूरा सिलाई से बना हुआ है, क्या बोलते हैं क्रोशिया सॉर्ट ऑफ वर्क इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये वही क्रोशिया वाला वर्क इसके डिटेलिंग में है स्लीव्स के, जो 3/4 स्लीव है। इनफैक्ट इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी वो क्रोशिया वाला फ्लावर बना हुआ है स्लीव्स में ही, दैट आई लव। इसका कलर अगर अच्छा होता ना तो मैं डेफिनेटली इसको रख लेती, बट इसका कलर बहुत ज्यादा डार्क आया है। शॉर्ट कुर्ता ही बोलेंगे लेकिन ये ट्यूनिक स्टाइल है, होती है थाई के मिड तक जाएगा ये, आपको पसंद है थोड़ा लंबा पहनना तो दिस इज फॉर यू, बट इसका डिजाइन तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है क्योंकि डिटेलिंग बहुत की है। ये भी 400 के अंदर का है तो आपको 400 के अंदर कितनी अच्छी चीज मिल रही है, प्लस इसका जो फैब्रिक है इफ़ यू कैन सी कि इट इज़ ऑल्सो कॉटन, मुझे फैब्रिक इसका बहुत पसंद आया, इट इज़ सॉफ्ट बट एट द सेम टाइम इसमें कुछ मिक्स है, मतलब ये कॉटन प्योर तो नहीं लग रहा मुझे लेकिन एक गर्मी नहीं लगेगी इसको पहनने के बाद, क्योंकि 70-80% कॉटन है और उसमें फिर कोई और अदर फैब्रिक मिक्स होगा। के स्लीव्स जो हैं वो भी थोड़े से ब्रॉड वाले स्लीव्स है 3/4, उस पर भी डिटेलिंग दी हुई है और नॉट जस्ट दैट, इसका जो बॉटम है उस पर भी देखो, आप देखो जब नीचे जहाँ पे ट्यूनिक खत्म हो रहा है, जहाँ पे कुर्ती खत्म हो रही है वहाँ पे भी इस पर डिटेलिंग दी हुई है, वही सेम क्रोशिया वर्क की,
in the border lines. You can style it with a palazzo or a pant only. This will look really nice. Today's video is kindly sponsored by Sassiness India. That is my brand, my baby. And आज मैंने पूरा जो ये collection पहना हुआ है अपने हाथ में, ये मेरे brand का ही है, Sassiness India. 50% slashed हो गए हैं सारे prices. In fact, starting from 170-150 से भी starting. इसका पानी में जाने से भी कभी tarnish नहीं होगा because these are waterproof. And नीचे पे भी discount codes डाल दूंगी description में मेरे brand का, तो don't forget to check that out. ये वाला है white color, क्योंकि मुझे white color भी काफी अच्छा लग रहा है इन दिनों, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ व्हाइट कलर के प्रिंटेड कुर्ता लूं, क्योंकि ये जीन्स के साथ, डेनिम जीन्स के साथ बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है. एकदम ऑफिशियली देसी क्लीन गर्ल लुक लगेगा. नया वर्ड बना लिया है, देसी क्लीन गर्ल लुक. लेट्स गो विद द हैशटैग ऑफ इट. एक शॉर्ट कुर्ता है, दिस इज नॉट ट्यूनिक. इसकी लेंथ थोड़ी बाकी सारे से कम है, बट आई एम लुक हाउ प्रिटी दिस इज. आई लव इट. ये थोड़ी छोटी स्लीव्स है, लेकिन अगेन इट इज हाफ स्लीव्स. उस सब में थोड़ी बड़ी स्लीव्स थी, इसमें हाफ स्लीव्स है, लेकिन अगेन ये आपके यहाँ तक तो आएगी. तो मुझे इसकी स्लीव्स भी अच्छी लगी. मेरे को शॉर्ट कुर्ता 3/4 लेंथ वाले जो स्लीव्स होती है ना, उसके साथ बहुत ज्यादा सही लगता है, क्योंकि इट गिव्स यू दैट इंडियन फेमिनिन टच वाला लुक. और इसमें जो फ्लावर्स बने थे, अगेन मुझे ये कलर बहुत टाइम से चाहिए था. मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले कुर्ता में कि मुझे इस टाइप के कलर बहुत टाइम से चाहिए थे, तो मुझे इसकी ये डिटेलिंग बहुत अच्छी लगी. और आई वॉज नॉट श्योर कि ये कैसा आएगा, लेकिन जब ये आया तो एग्जैक्टली लाइक फोटो है. इनफैक्ट फोटो से ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे सामने पे. मैंने ये नोटिस ही नहीं किया कि मैंने जितने भी कुर्ता ऑर्डर किए हैं, सारे के नेकलाइन ऑलमोस्ट सेम है. दीज आर वी नेकलाइन. इफ यू कैन सी कि इसमें भी वी नेकलाइन ही आ रहा है. अनाउंस कर रही हूँ, संगोरी ब्रांड का है ये, प्योर कॉटन रेयन का है ये. इसमें फैब्रिक भी मेंशन है कि ये रेयन है, तो दिस इज ऑल्सो स्वेट प्रूफ. और ये की सीजन है, ये मानसून वाला, उसके लिए बेस्ट है. और ये डेनिम के साथ बहुत अच्छा लगेगा. अपने हेयर्स पे अच्छे से प्लीटिंग कर लो और उस पर एक ईयर रिंग, छोटे से झुमका पहन लो, एंड एक बिंदी लगा लो इफ यू लाइक अ बिंदी गर्ल, और अ नोज पिन, एंड दिस विल लुक फैंटास्टिक. और ये डेनिम ब्लू के साथ ही अच्छा लगेगा, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू. आई विल सजेस्ट दैट ये कोई भी प्लाजो के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी लेंथ शॉर्ट है, तो ये 100% जीन्स के साथ ही अच्छा लगेगा. आउटफिट होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, कॉन्फिडेंट फील होता है. कोई भी जगह पे जाओ, क्लीन से व्हाइट कलर थोड़ा सूदिंग भी होता है खुद के लिए. नारा, आई एम लविंग दिस वन. और ये भी 300 के अंदर ही है. मूविंग टू द नेक्स्ट, ये मेरे टॉप से मैच हो गया है लग रहा है एग्जैक्ट. तो ये है जयपुरी कुर्ता, जो मैंने लार्ज साइज में ही ऑर्डर किया है, बट मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा आ गया है. हाँ, ये बहुत बड़ा है मेरे साइज से, मुझे लग रहा है. देखिए, लुक एट दिस, दिस इज टू बिग फॉर मी. ये एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि डबल एक्सएल साइज है, लेकिन मैंने सिर्फ इसको एक्सएल ही ऑर्डर किया है, तो भी ये इतना बड़ा साइज का आया है. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी स्लीव्स आर ऑलमोस्ट फुल लेंथ, ये आपके रिस्ट तक तो आएगी. ये काफी फुल लेंथ स्लीव्स है. और ये है एक जयपुरी प्रिंटेड कुर्ता. ये प्रिंट है, दिस इज नॉट क्या बोलते हैं, क्रोशिया डिजाइन या सॉर्ट ऑफ. इसमें कोई भी स्टिचिंग नहीं है, ये पूरा प्रिंट ऑन डिजाइन है लाइट ब्लू कलर का. और ये पूरा प्योर कॉटन है. अगेन, इसका भी मुझे कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है. लाइक इट्स लाइक रियली प्योर कॉटन. और ऊपर से इसकी डिटेलिंग देखो, जो इसकी स्लीव्स है ना, इस पे इलास्टिक दिया हुआ है लाइक दिस. लाइक इट्स लूज, ऐसा टाइट वाला इलास्टिक नहीं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जमेगा. इसमें थोड़ा डीप नेक है, लेकिन इसकी डिटेलिंग है, यहाँ पे उन्होंने दूसरा टाइप का डिजाइन प्रिंट ऑन किया है. ये ना फ्रॉक स्टाइल सॉर्ट ऑफ है, मतलब जो मैं जिसकी भी बात कर रही थी, बट ये इसका जो घेर है नीचे से बहुत ज्यादा है, तो इसमें आप आराम से मूव अराउंड कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं होगा. आई यू कैन सी कि बहुत ज्यादा नीचे से फैला हुआ है. अम्ब्रेला शेप जो है इसका, काफी ज्यादा यू नहीं होगी मूविंग अराउंड ऑल डे या फिर ड्राइविंग और टू व्हीलर और समथिंग. और इसका मेरे को कॉलर ना, जैसे शर्ट का कॉलर रहता है उस टाइप का है ये पूरा, पीछे से और फ्रंट से. फ्रंट से थोड़ा सा नीचे है, लाइक वी शेप, लेकिन थोड़ा सा डीप है. इसमें प्लाजो मत पहनना, क्योंकि ये ऑलरेडी अम्ब्रेला और यू शेप में दिया हुआ है नीचे से इसका डिटेल. और ये शायद 365 के कुछ अराउंड का ये कुर्ता है. एंड आई डोंट थिंक सो कि इट्स बैड फॉर सच अ गुड क्वालिटी ऑफ कुर्ता. मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, सो हाईली रिकमेंड दिस वन. बट साइज देख के लेना, मेरे को एल मैंने लिया और बहुत ज्यादा बड़ा आ गया ये. तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ये लिया है
रेड कलर का. कोई ऐसी सिचुएशन में होता है कि आपको जाना पड़ रहा है विथ योर पेरेंट्स और एनीवेयर, और कॉलेज में कोई पूजा है या समथिंग, या कोई ऐसा कोई एथनिक ओकेशन है, तो उसके लिए बेस्ट है. मतलब मुझे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से लो लग रही है इसकी क्वालिटी. टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ऐसा लग रहा है इसका कपड़ा ना लाइक कॉटन है, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत इसका प्रिंट जो है ना मुझे थोड़ा लो क्वालिटी का लगा, क्योंकि फोटो में ना ये बहुत ज़्यादा ब्राइट और ब्लड रेड कलर दिख रहा था इसका, तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, लेकिन ये आने पे ना नॉर्मल रेड दिख रहा है और मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है. यू गाइस, फैब्रिक इज ऑल्सो कॉटन ओनली, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये कॉटन है, फिर भी ये सी थ्रू नहीं है. इसमें भी आपको ट्यूनिक वगैरह पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसका भी नेक लाइन सेम है. मतलब मैं पता नहीं, भी स्लीव्स अगेन 3/4 है और इसका स्लीव्स थोड़ा डिजाइनर है. मुझे इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जबकि इसका और इसका अच्छा ब्रांड भी सेम है दोनों का, सनगौरी और उसी ब्रांड का ये भी है, लेकिन इसकी ब्लू वाले की क्वालिटी ज्यादा बेटर है इसके क्वालिटी से. इसका प्रिंट और कलर मुझे थोड़ा ऑफ लग रहा है. सो विद दिस लास्ट रिकमेंडेशन हियर वी कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग विद दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये कुर्ता सेट हॉल पसंद आया हो और ये अंडर बजट था. आपकी कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है वो नीचे कॉमेंट डाउन करके बताना मत भूलना, और मैं सारे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, तो डू चेक दैट आउट. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट टू माय चैनल. इट विल एब्सोल्युटली मीन द वर्ल्ड टू मी. यू गाइस, आई लव यू गाइस सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.